अस्सलाम वालेकुम। आज बनाऊंगी मैं चावल का पापड़। गर्मियों के मौसम में चावल के पापड़ दाल चावल के साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने गैस ऑन कर लिए, 2 गिलास पानी डाला है, इसमें जीरा डाला है मैंने आधा कटोरी, थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने टेस्ट के हिसाब से, मैंने इसमें खाने का सोडा डाला है थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, मैंने नमक डाला है। इन सभी को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसे ढककर एक उबाल आने दूँगी। एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसे देख लूँगी खोल के, उबाल आ चुका है। मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया है, मैं इसमें ये डाल दूँगी अदन में और इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह पका लूँगी। अगर इसमें मुझे थोड़ा सा पानी और लगेगा तो मैं इसमें आधा पानी भी ऐड करूँगी और इसे पका के मैंने एक तरफ निकाल लिया है, एक बर्तन में निकाल लूँगी। मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने दूँगी और हाथों पर ऑयल लगा लूँगी और अच्छी तरह इसे मिक्स मसल लूँगी मैं। अच्छी तरह इसकी मालिश करना है, जितनी अच्छी तरह मालिश करेंगे उतने अच्छे पापड़ बनते हैं। एक तरफ मैंने इसे अच्छी तरह मालिश करके ढक के रख दूँगी मैं और इसकी लोई बना लूँगी। इसकी लोई बना लेना है, मैं इसे लंबी शेप में लोई बना लूँगी, इसे भाप दे दूँगी एक तरफ। इस तरह की लोई बना के रख ली है मैंने। एक तरफ मैंने अदन के लिए पानी रख दिया है और एक जाली का बर्तन उस पर ढक दिया है। जाली के बर्तन को मैं ऑयल लगा लूँगी और उस पर जो मैंने चावल के आटे की जो लोई बनाई थी मैं वो भी इस पर रख दूँगी ताकि भाप पे मैं इसे 10 से 15 मिनट तक के पका लूँगी। टूथपिन से मैं इसमें गड्ढे कर दूँगी ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके तो मैं इन्हें निकाल लूँगी और इन्हें निकाल के अच्छी तरह मैशर से मैं मैश कर लूँगी, अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा हींग डाला है मैंने इसमें, इसका अच्छा टेस्ट आता है चावल के पापड़ पापड़ में हींग का। मैं अच्छी तरह इसे मिक्स कर लूँगी और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी और एक साइड इसे मैंने ढक के भी रख दिया है। मैंने 2 पन्नी लिए, पन्नी को ऑयल लगाया है और छोटा सा पेड़ा लिया, हाथों से इसे दबा लूँगी। आप इसे बेलन से या फिर कोई प्लेट से भी इसे बना सकते हैं, मैं इसे प्लेट से ही बना रही हूँ। मैं इसे प्लेट पर हल्का सा थोड़ा सा प्रेस करूँगी, थोड़ा गोल घुमा लूँगी कि ताकि पापड़ भी अच्छी तरह फैल जाए और हाथों से भी थोड़ा मैं फैला लूँगी। एक तरफ मैंने दूसरी तरफ साइड में भी पन्नी बिछा के रख ली है, मैं इस पन्नी से निकाल के अब दूसरी तरफ भी इसे पलटा लूँगी, पन्नी पर ही मैं इसे निकाल लूँगी। आप इसे 2 से 3 दिन तक के धूप भी बता सकते हैं, मैंने इसे अभी घर में ही बनाया है, फिर बाद में पूरे बनने के बाद मैं इसे धूप बता दूंगी। मैंने इसे धूप बता दी है, 1 से 2 दिन हो चुके हैं, पापड़ अच्छी तरह सूख चुके हैं। मुंह में रखते से ही चावल के पापड़ अच्छी तरह घुल जाते हैं। एक तरफ ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है और उसमें ये पापड़ डाल दिया है। देखिए कितना अच्छा बड़ा पापड़ बन के रेडी हो चुका है। दूसरा भी पापड़ मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। आप इसे दाल चावल के साथ में या सब्जी के साथ में भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है चावल का पापड़। आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कितनी अच्छी करारी इसमें आवाज़ आ रही है। ये बहुत ही खाने में बहुत ही सुंदर बनता है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम।